नमस्कार, मेरा नाम निर्जा गोयल है। मैं पैरा इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, निर्जा देव भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक हूँ। और आप लोगों से आज मैं कुछ चीज साझा करना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग हैं कि हमें कई बार अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना होता है या रिन्यू कराना होता है, तो उसके लिए हम कौन कौन से पेपर लेके ऑफिस जाए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को आज जानकारी देना चाहती हूँ कि आप एक अपना आधार कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड और साथ ही बैंक की पासबुक की हमें जब जरूरत होती है जब हमारा आधार कार्ड नहीं होता। और अगर आप हैंडीकैप सर्टिफिकेट रिन्यू करा रहे हैं तो पुराना हैंडीकैप सर्टिफिकेट आप जरूर से लेके जाइएगा। और साथ ही सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये है कि पहले हमारी पासपोर्ट साइज फोटो चलती थी हैंडीकैप सर्टिफिकेट में, अब नहीं चलती। अब हमारे को अपनी फुल, अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो फुल साइज फोटो हमारी चलेगी। वो मेन अहम जानकारी है जिसके लिए मुझे भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और साथ ही आप अगर स्टैंडिंग में हैं और आपको पैर में लेफ्ट में प्रॉब्लम है तब भी आपको फुल साइज फोटो ही ले जानी जरूरी है। तो आप इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये वीडियो बनाने का मेरा माध्यम था कि जो भी मेरे साथ के दिव्यांग भाई बहन है उनको बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह ऑफिस तक जाते हैं और फिर वहाँ पे अगर एक पेपर मिस होने की वजह से अगर उन्हें प्रॉब्लम आए तो काफी मतलब परेशानी होती है। और साथ में जो घर वाले गए हैं उनका भी टाइम वेस्ट होता है। तो आप इसको प्लीज जरूर से ध्यान रखिएगा। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों के साथ उस चीज को रिपीट करती हूँ। एक आप अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड और फोटो, फुल साइज फोटो और राशन कार्ड, अगर राशन कार्ड की जब जरूरत है, जब आपके पास आधार कार्ड ना हो, और पुराना हैंडीकैप सर्टिफिकेट अगर आपको रिन्यू कराना है तो, और बैंक की पासबुक की भी जब जरूरत होती है। लेकिन फिर भी आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट लेके जाइए, अगर कोई भी परेशानी है तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। धन्यवाद।